अच्छा हाँ एग्जाम्पल टू ऐसो कंटिन्यूड रेशो जो जैमें ऐसो एक्स वाई अलग डिनल आ सॉरी हे एक्स वाई जो वैल्यू घणो यानी एक्स वाई की पा में नस्बत आ छ रेशो सत यानी सिक्स रेशो सैवन ए वाई ए जेड की वही घनी आ अठ रेशो नव एट रेशो नाइन ठीक है तक सॉल्यूशन सॉल्व करण जो तरीको है टई लिखी वो ए बी सी सॉरी इतने ए बी सी ना एक्स वाई जेड आड़ो मिनट ठीक है इतने आ एक्स वाई जेड तो टई रखा थे एक्स वाई ए जेड ठीक थी हाँ कदे अस बुधायल है एज इट इज फाइन जो लिखता वह ऐसो एक्स जो घणो आ वैल्यू छ वाई जो वैल्यू घणो आ सत पेरी स्टेटमेंट में जेड जो घणो आ ये समझो जेड इन में आया ही न अस इतने जेड छा लिखी छदा से लकीर दई छदा से या जीरो लिखी छदा से ठीक है हाँ वरी करो बे स्टेटमेंट तीन तो वाई जो वैल्यू घणो आ अठ ठीक है ये तक समझाने की जरूरत ना पे वाई आ तो इतने ये रकम भी अठ जो पे लिखल है या वाई की थी वरी जेड की वैल्यू घणी आ नव ये बी लाइन में लिखणो इन में असं दिसूं तो एक्स की वैल्यू घणी आ जैसे असं हिं रखूँ असं दिसदे तो इतने एक्स की वैल्यू घणी आ कुछ भी ना ठीक है हिं खी समझो तो इतने वाई और जेड मिलल बी स्टेटमेंट में एक्स है जीरो आ या कुछ भी ना असं इतने डैश रखी छदा पे में वरी एक्स और वाई मिलल आ जेड वरी ना जेड की जगह से डैश रखियोसे हाँ लकीर डेई कर निशानी ठहणी है हिं 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 ठीक है अर्छक अठेतालीह अठेतालीह घा स्टूडेंट गलती कर लिखी वादा न जो हे आई पे मल्टीप्लिकेशन इन जवाब इतने लिखो अड़छिक अठेतालीह यानी कि यो एक्स जो वैल्यू आ वरी इतने अचो तो अड़सत छावंजा ठीक है हाँ छो कर मल्टीप्लाई कर तीर या निशान दियो तो वरी कैंसा मल्टीप्लाई करो अठन के सतन से मल्टीप्लाई करो वरी सतना टेहठ ठीक है इन वरी पा में मल्टीप्लाई करो यानी कि हिं 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 ऐसो अड़छिक अठेतालीह अड़सत छावंजा वरी सतना वरी टेहठ ठीक है हाँ असं दिसदे तो कड़ो खोड़ो वो वे तो अस गौर कदे तो इन सभी अठन जो खोड़ो मुझे ख्याल में वे तो न अड़छिक अठेतालीह सतन जो खोड़ वे तो अच्छा खोड़न से गौर कज खोड़ो वे तो पो मिसाल अठन जो खोड़ो इन अठ दफा वो अड़सत छावंजा इन भी वे तो पर अठट चौहठ इन नो वे ठीक है सो इन करे असो ये असो जवाब है बस जैसे सिंप्लीफाई नो थे तो इन मतलब ए बी सी यानी ए जो घणो थी वो 48 बी जो घणो थी वो 56 ए सी जो घणो थी वो 60 हे असो आंसर आ जैसे खोड़ा लगन तो सिंप्लीफाई कदे खोड़ा न लगन जी आए उ रखी छदा तो हाँ ये टिन की मुसलसिल नस्बत अची वही यानी टिन एक बे कंपेरिजन यो तुम कंटिन्यूड रेशो अ टो एग्जाम्पल ऐसो तुम क्लियर थी वो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मोकलियां तो वो सॉल्व कर।